अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रहा हूँ गुजरांवाला। अवैस घुमन बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और 3 वीक्स पहले उन्होंने बुकिंग करवाई थी। उनके इवेंट पे उनकी सिस्टर की शादी, उन्होंने कहा था बट भाई आपने स्पेशली आना है, तो मैं गुजरांवाला उनके इवेंट पे आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। ओए गाइस, मैं गुजरांवाला इवेंट पे पहुंच चुका हूँ। ये इवेंट बुक करवाया था अवैस घुमन ने, आज से तकरीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के दरमियान में ये बुकिंग करवाई थी, और उन्होंने कहा था डीजे भट्ट साहब आपने खुद आना है। मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, और सेटअप रेडी है, लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर बस फाइनल टचेस है। पहले नवीद भाई ने बुकिंग करवाई मेरे पास इवेंट के लिए, और सियालकोट में इनका इवेंट था, और बड़ा ज़बरदस्त मैंने इवेंट किया। इस व्लॉग में एक ख़ास चीज़ मैं बताता चलूँ, कल मैंने वहाँ पर प्ले किया, और यहाँ पर भी तकरीबन कुछ 3-4 हफ्ते पहले इस इवेंट की भी बुकिंग हुई थी। जब मैं यहाँ पर आया तो तब मुझे पता चला कि ये लड़की वालों का इवेंट है और वो लड़के वालों का इवेंट, और दोनों ने ही मतलब दोनों चाहते थे कि डीजे भट्ट खुद आए मेरे इवेंट पे। नवीद भाई ने मुझे स्पेशली कहा कि बट भाई आपने मेरे इवेंट पे आना है, स्पेशली मैं सियालकोट इनके इवेंट पे गया, और आज मैं लड़की वालों की तरफ अवैस घुमन मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, उनकी सिस्टर की शादी है, तो मुझे भी आज ये पता चला कि दूल्हा वाले भी मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट हैं, और इधर से अवैस घुमन जिनकी सिस्टर की शादी है वो भी मतलब मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। तो ये इस व्लॉग में ख़ास चीज़ है। Alright, आज का जो व्लॉग है यहाँ पर एंड हो रहा है, कि अवैस भाई का आज का इवेंट कैसा रहा? अवैस भाई आज का इवेंट थैंक यू, और यकीन करें मुझे इनका जो पूरा इवेंट था मुझे भी बड़ा मज़ा आया प्ले करने में। इन सब ने जो इन्जॉय करते हैं ना, तो फिर मुझे भी मज़ा आता है प्ले करने। भट्ट साहब, मतलब इट वॉज एन एपिक इवेंट जो आपने कल किया हमारा, और जो आज किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। हमने इस लेवल का साउंड पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं किया सर, हैट्स ऑफ। तो थैंक यू सो मच, अगला व्लॉग देखने के लिए रेडी रहिए। थैंक यू वैसे। ये वो कठा